अध्याय के नए अपने को पढ़ने हैं और उन्हें पढ़ने के पहले हमें दो चीजें बहुत जानना जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जानना जरूरी है। फिर हम दोनों में कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, जो अध्याय के पहले नए पढ़े हमने और अभी जो पंचाध्याय के पढ़ने को, उन दोनों में जो अंतर है। सबसे पहले सारे विश्व को विस्मय होता है समय सारी परमाणु में द्रव संगी टीका में, इन बातों को कोई कैसे स्वीकार करे? विश्व एक ही चीज है, बस जीव तत्व एक, बाकी सब अजीव तत्व, राग पंगल है, गुणस्थान पंगल है, ये बड़ी टेंशन वाली चीज हो जाती है। पढ़ा होगा आपने, सुना तो होगा, गुणस्थान पंगल पता ना, ये दरवाजे के कौन सा स्थान है, इस पंखे का कौन सा मस्त है, हम कैसी घटिया बने, ठीक तरफ आप कह रहे राजा की पुल गल है, अपन सरासर दिख रहा है क्रोध कर रहे हैं, रुपये कह रहे क्रोध भी करते ही, हमें हमें साफ दिख रहा है कि जब चलो ये नहीं भैया आ गया भैया जा सामने जा, जितने सामने बैठे हो उतना अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल सामने नहीं हो तो अच्छा दिख रहा है, थोड़ा छोड़ा करो बेटे इसके बड़े अच्छे हो जाएंगे, थोड़ा सा और थोड़ा सा सरका दोगे तो पीछे साइड में आ जाएगा, पढ़ाई में सबको पढ़ने में आना, जरूरत पड़ेगी खिड़की दरवाजे भी बंद कर दो, पीछे का दरवाजा भी बंद कर दो बेटे, पीछे का दरवाजा बंद कर दो, इधर की जरूरत पड़े तो बंद कर दो, अच्छे ज्यादा आसान दिखाएंगे। जब ये पढ़ाई जितनी डांट में सब कुछ मैं आपको ज्यादा दिखाएंगे, कर दीजिए आने वाले आ रहे हैं और अच्छा हो जाएगा। चलो अपन आत्म और अध्यात्म में अंतर पड़ेंगे और फिर अध्यात्म की दो श्रेणियां उसकी भी चर्चा नीचे करेंगे। यदि ये बात आपके दिमाग में सेट हो गई तो मैं पंचाध्याय के नए पढ़ना है एकदम सब पढ़ना है, और मैं ये चाहूंगा कि पंचाध्याय के नए आप पी जाओ, मैंने टका रहा है तो पंचाध्याय निकले समय सारी परमाणु पढ़ने के लिए ये पंचाध्याय के नए पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो मतलब पहले इस तरह की चर्चा कैसे हो जाती है, तो राग आत्मा नहीं लेकिन वो तो समय सारे खैच के लिए पड़ा है, खैच के लिए समझ गए, गुणस्थान तो जीव के ही है, 29 प्रकार के गुण को क्या बोलते हैं, गुणस्थान मारने स्थान अध्यात्म स्थान जाने सारे के सारे 29 मालूम नहीं 50 से 55 नंबर तक की गाते हैं। बेटे तुम लोगों से जो कह रहे हैं सब ध्यान रहा, मैंने इस बार मैंने डिस्क्रेस कराना चाह रहे कि आप एम ए कर रहे हो, मैं नहीं चाहता कि एक विद्यार्थी मेरे पास में मिले, किताब खोलते मिलोगे आएगा 8 दिन तक तो आप देख ले जाए तो समझ से आगे की 50 से 55 नंबर की गाथा रही है, वो हम खुद गल के रुचि है क्या चक्कर, और गुणस्थान भी खुद गल अध्यात्म स्थान भी खुद गल, ये अध्यात्म स्थान क्या चीज है, मैंने मजा जैसे तब आए इस मार्ग में सारे बच्चे सरवार सिटी खोलते मिल रहे थे, राजवार सिटी खोलते मिल रहे थे, स्लोक बार सिटी खोलते मिल रहे थे, सब लोग उसी उसी चर्चा कर रहे थे, यहाँ से आप करेंगे। आइए पहले आत्म और अध्यात्म में अंतर समझेंगे। कभी आपने देखा है रात को आह होती है, हम उठते हैं और पिताजी पूछते हैं उस कमरे में सो रहे कौन है, हम कहे कोई नहीं, अरे कोई नहीं की आवाज कैसे आ रही है, कोई नहीं अभी कोई है जब तो बोल रहे हैं कोई नहीं, तो अभी यार इस दृष्टांत में ध्यान रखना पड़ा, जब ये कहा ना कोई नहीं इसका मतलब है कि बिना प्रयोजन ऐसी कोई घटना नहीं हो रही इस कमरे में जो टेंशन वाली हो, अब ध्यान से ना कि कोई घटना नहीं हो रही जो टेंशन वाली हो, इसके लिए हम कहते हैं कोई नहीं, बर्तन गिर गया किचन में, पति देव वहां से चिल्लाए क्या हुआ, पत्नी बल्दी कैसे सुन रही कैसे नहीं हुआ, मरण मर नहीं हुआ, हाथ से थाली नहीं छूटी, बर्तन नहीं गिरा, नुकसान नहीं हुआ, अरे कुछ नहीं जी के चक्कर
नहीं बनने आने की सेवा की। अनादिकाल से आत्मा में राग हुआ, अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं पर मतलब नो टेंशन, द्रव्य पूरा है, कौन सुने हैं पर्याय नहीं भी पर्याय करने वाली है, पूरा जो पर्याय चलिए काट टेंशन ले, कुछ नहीं हुआ। अनादिकाल से संसार में क्या हुआ, वो सुनने के साथ ना पंचायत जाए की जाओ समय, अरे कुछ नहीं हुआ मतलब सुना, अरबों रुपए का बिजनेस करता कोई याद है, अरबों रुपए और एक करोड़ गिर गए, क्या हुआ बोलो क्या हुआ, शेयर मार्केट में करोड़ों रुपए के शेयर ले रहे खरीद रहे पैसे, 10 लाख का आज घाटा हुआ, आज 10 लाख का घाटा हुआ, क्या हुआ, अरे उसके शेयर में सर नहीं है, क्यों नहीं है सर, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसा तो होता ही रहता है, आज 10 लाख का करते हैं 1 करोड़ आ जाएंगे, फिर 50 लाख से लेंगे तो 20 करोड़ आ जाएंगे, क्यों 20 करोड़ वाले को क्या लगता है 10 लाख, अपने से पूछो 10 लाख माने क्या होता है, आपका पॉइंट समझ आया ना, अज्ञानी को ध्यान से सुनो मेरा क्या कहता है, अज्ञानी को जो बहुत कुछ लगता है ज्ञानी को कुछ नहीं लगता, बस एक ये ठीक पकड़ गए ना तो आगम और अध्यात्म का अंतर समझ जाओ, अज्ञानी को आगम टेंशन पैदा करता है और अध्यात्मवादियों को आगम की किसी भी टेंशन नहीं होती, क्या हुआ कुछ नहीं हुआ, द्रव्य पूरा मिला गुण भी पूरे मिले, अरे पर्याय की छोड़ दो बात बाकी, इतनी मस्ती बात मैं कहना चाह रहा हूं कि पाठ पढ़ा करते हैं आपको डिप्रेस, यदि आपके चित्त में पाठ नहीं हो तो आप समय साथ नहीं पढ़ा पा, सुनना ध्यान से, आज भी समय साथ पढ़ते लोग आनंद नहीं ले पा रहे, क्यों क्यों आत्म और अध्यात्म का अंतर नहीं चल रहा है, देखो कितना तो राग हो रहा है, चित्त भी कल पा रहा है, क्या धर्म स्थान है, समय का समय नहीं हो रहा, अगर तक नहीं हो रहा सही करने तक हम इतनी कोशिश करते हैं मिला, इसके मतलब तो अध्यात्म की खबर नहीं, अध्यात्म माने कुछ हुआ ही तो नहीं, कुछ हुआ वो तो बोलो, अरे साहब आपको लगा कुछ हुआ ही नहीं, इस पर्दे पर अभी कोई पिक्चर चला रहा है तो पर्दे में क्या होगा, इस पर्दे में पिक्चर चला दो आपकी बरसात की पहाड़ की तूफान की मर्डर की आतंकवादियों की और सब गंदी गंदी पिक्चर चला दो, गंदी बिल्कुल गंदी देखने लायक नहीं, पढ़ने में क्या आपको ये तो बोलो, अध्यात्मवादी कैसे मस्त होते हैं, चाहे जितनी भिखारी पर्याय आगे चली गई ज्ञानी मस्त होते हैं, इस मस्ती का नाम सुनने का समय, आप सोचो आगम और अध्यात्म का अंतर क्यों पढ़ना चाहिए, बाकी तो इन्फॉर्मेटिव में पढ़ाऊंगी आपको, लेकिन आचार्य ने क्यों लिखा गुणस्थान उधर गुणस्थान जीव ही नहीं है, क्या कह रहे हैं गुणस्थान जीव नहीं, जीव गुणस्थान होता है वहां पर स्पष्ट उपचार कर रहे हैं, परद्रव्य है परद्रव्य है पर भाव है पूर्वोक्त सारे भाव ही नहीं समझा, नियम जाने की कहा जाता है नव तत्व परद्रव्य है, ले बात होती है क्यों, अपन तो मोक्ष के लिए लज्जा रहे, अब मोक्ष छोड़ो सम्य दर्शन हो जाए इसी की लज्जा रहे, सम्य दर्शन की वैल्यू नहीं आती, उसे सम्य दर्शन परद्रव्य पर भाव दिखाई देता है, अब सोचो इसके अर्थ कैसे निकाल रहे, कैसे निकाल रहे, वो जो अध्यात्मिक विषय व्यवहार है उससे नहीं निकलेगा, जो मैं पढ़ा करते निश्चय के चार वेद व्यवहार के चार वेद उसमें से नहीं निकलेगा, ये अर्थ निकलेगा पंचाध्याय में से, इसकी पंचाध्याय के नए हर मनुष्य को की लेने जैसे हैं, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ जिस दिन तुम्हें ऐसा लगे नहीं कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ मतलब समानाधिकार से 4 84 लाख अंदर तुम्हें कुछ हुआ नहीं, क्या हुआ बोलो क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ कुछ, उसे समझाएंगे, ध्यान रखना आगम आयु विषय अंतर का आधार
इतना तेज हो। आगम के अंदर क्षेत्र पर्याय संबंधी व्यवहार, पॉइंट नंबर पर्याय संबंधी व्यवहार, छह द्रव्य समझानी है, पर्याय संबंधी व्यवहार समझाना है। सन्मात्र का मतलब होता है सत मात्र, सत्ता मात्र वस्तु माने द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, विस्तृत अतः नए जान है, माने इसमें इतना बड़ा नए जान है आत्म में, बहुत बड़ा की अपेक्षा, देखो फोटो पत्नी तो माननी पड़ेगा, फोटो
ना तो अध्यात्म के बिना आप उनका आनंद नहीं। क्या बोला हमने? अध्यात्म के बिना आप उनका आनंद नहीं। अभी मैं थोड़ी सी झलक बता रहा हूँ आत्म अध्यात्म, थोड़ी सी झलक। मैं तत्वार्थ शब्द में एक अजीवन का रहता है, अजीवन का रहता है, कौन से नंबर का? पांच है, पांच वाली। अब मैं प्राय करके तत्वार्थ शब्द में ज्यादा पढ़ाने में मुझे रस नहीं आता, लेकिन जब भी अपन वहां जाएंगे ना कुछ जगह, तो उनका बिल्कुल पक्का आग्रह है कि आप दोपहर में उसे पढ़ाओ हमेशा से। मैं तीन बार गया, तीनों बार पढ़ाया, चार बार गया, तीन चार तो पढ़ा, दस लक्षण पढ़ना जरूरी है। तो मैंने पढ़ाया, पढ़ाना तो था ही, तो मैंने पढ़ाया। मैंने सुनो अजीब अधिकार, इसका मतलब है मेरा अधिकार नहीं। अभी बात क्या कैसे पढ़ाया? अजीब अधिकार मतलब इसमें मेरा अधिकार नहीं है। और आधा घंटा उसी क्या कर दिया, फिर तो पढ़ रहे थे आगम जिस
समय पॉइंट पर लो आगम जिस समय आपको आसर बंद युक्त देखता है अध्यात्म उसी समय कहता है कुछ बहुत कुछ बहुत निकलता समय आया बहुत बढ़िया कलर से अपने चंद स्वामी का बाइट लोट दी ऊपर ही तरह दी भाषा देखो क्या कह रही मोहनार भी आत्मा को छूते नहीं है गुरुदेव बोलते थे रागा की इंकारी पढ़ना अधर्म अधर्म की थाई से अधर्म समझ में आया अधर्म अधर्म की थाई से गुजराती समझ में आ गई बेटी अधर अधर समझते अरे बेचारा सब कहते थे राजा अधर्म है अब ये अध्यात्म का रस कब आए सुनना बेटी यदि हमें समझ सार पढ़ के आनंद नहीं आया तो कुछ नहीं आया माने कोतकोल होना चाहिए कोतकोल ही सर कोतकोल होना चाहिए ठीक है प्रत्यक्ष सुना कर तो दिखाई दे रहा कुछ क्या कर तुम्हारे माँ माँ बनती ना माँ तो प्रसव की पीड़ा होती है भयंकर और भयंकर पीड़ा के बाद भी जब बेटा होता है तो कोई उसे पूछे अगली बार माँ बनोगी कि नहीं सौ सौ पुत्रों को जलती रहती सौ सौ ढोर कोई भी तकलीफ हुई थी क्या हुआ है कच लेकर जो बच्चे का चेहरा देखने से ही वो प्रसव की पीड़ा का क्या होगा अच्छा हुआ था कि नहीं पीड़ा हुई थी कि नहीं हुई थी पीड़ा हुई थी नहीं हुई थी उस समय ऐसा लग रहा था बच्चा कैसे निपट जाए और इसके बाद तो भगवान बचाए भाई साहब आगम अध्यात्म सच करता है यदि आप आगम को पढ़कर अध्यात्म अनुभव नहीं करते तो फिर समय सारी पढ़ने का आनंद नहीं ले पा समय नयों का जाल नए कितने कितने नए होते अनंत नए बताए आपको जितने बचन बात के गए उतने ही नए उधर देखो आत्मा विकारी अविकारी पर्याय और परतर से भिन्न चिन्ह मात्र वस्तु सीमित नहीं सीमित है वस्तु सीमित है विषय सीमित इसलिए नए ज्ञान की सीमित है नए ज्ञान की सीमित उतना सही है बस अब इसे समझाता मेरा समय क्योंकि ये तो बहुत बड़ी चीज है चिन्ह मात्र चिंता मणि रेश यस्मान ज्ञानी की मन्यस्त परिग्रहण आत्मा कैसा है चिन्मात्र बोलो एक बार कैसा है चिन्मात्र कैसे कहते हैं देखो जरा विकारी अधिकारी पर्याय से रहे पर्दर से तो रही थे तो समझ सारा लगे पर्दर से तो समय सारी पढ़े हुए आपको समय सारी कौन कौन से पढ़ लिया फाइनल वालों ने पढ़ लिया पहली बार तो पढ़ी हुई पहली बार पर्दर और पर्दर की भाव से रहे पर्दर और पर्दर के वजह से होने वाले अपने भावों से भी रहे पर्दर और पर्दर के वजह से होने वाले अपने भावों से भी हाँ विकारी और अविकारी पर्याय से भिन्न चिन्मात्र चिन्मात्र जाए अब ऐसी तिरस्कार हो गई एक घंटा बोलो नहीं मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा आप विद्वान है सब और विद्वानों के बीच थोड़े ही बोलूंगा यहाँ से उंगलियां देख रहे हैं उत्पाद में द्रव युक्तम सर पढ़ा नहीं तुम उत्पाद में द्रव युक्तम सर अब इसमें ध्यान इसको चिन्ह मात्र कह रहे मेरे इसको चिन्ह मात्र कह द्रव्य में तो तीनों है पॉइंट पकड़ो आगम में तीनों को द्रव्य मिला के कहते हैं तीनों को मिला के कहते हैं और अध्यात्म में चिन्ह मात्र चिन्ह मात्र माने ध्रुव को जीव कहते हैं आरंभ में टेंशन करना है कितनी परिवार खराब हुई कितना मोहरा ले जब कितना पीवन ज्ञान हुआ नहीं हुआ मदियां सुनियां जब वो कहता है ना तो अध्यात्म कहता है चिन्ह मात्र में क्या होगा ऐसे नहीं बैठा बैठे हाँ ऐसे बैठा बैठे क्या कहा क्या कहा मैंने जब आदमी कहता है ना पर्याय में कितना दुख है पर्याय में पीवन ज्ञान है उत्पाद के उत्पाद में मतलब उत्पाद में मतलब पर्याय पर्याय दो प्रकार की होती है विकारी और अविकारी जिस समय आगम पर्याय की चर्चा करता है तो आपको दो तकलीफ आती है एक तकलीफ ये आती है हमारी पर्याय कितनी खराब और अगर दूसरी क्या आती है इनकी तो पूरी सोच वो दिन का हुआ जो शुद्ध पर्याय आए तो आपको शुद्ध पर्याय की डिमांड खड़ी होती है और अशुद्ध पर्याय से
लेकर अध्यात्म से देखो, अधिकारी पर्याय से भेद चिन्ह मात्र, चिन्ह मात्र इसका नाम जीव है। समझाना पड़ेगा ना, समझ में आया, समझ। पति किसे कहते हैं? उसने जब शादी की थी तो उसका पति 10 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा था, तो पति इज इक्वल टू 10 लाख, है ना? कितना पता नहीं ना, जब शादी हुई तो पति कितना कमाता था? 10 लाख। पति इज इक्वल टू पक्का। अब एक महीना के लिए वो बीमार हो गए, उस महीने उसने कुछ नहीं कमाया, बेड रेस्ट पे था, एक्सीडेंट हो गया, पड़ा हुआ किस तरह। पति कितना परसेंट बचे? 0%। हाँ, लोग ऐसे ही बोले। अरे वो पत्नी से पूछो, 10 लाख रुपए कमाने वाली पति पति है, निरपेक्ष पति है, 10 लाख से भिन्न पति है। 25 महीने में कुछ नहीं कमाया, उसमें पति की वैल्यू कितनी? बोला पति की वैल्यू कितनी? बोला हाँ, इसका मतलब पति पर्यायों से जीना पा जाएगा, कमाई से जीना पा जाएगा। जब शादी की थी तो स्वस्थ पति था, तो पति निकल टू स्वास्थ्य। अब बीमार हो गया तो पति कितना बचा? अरे बोलो कि नहीं, बीमारी और स्वास्थ्य पति को बंद। पति को बीमारी है और पति स्वस्थ है पर्याय, पति को पर्याय से बनना हो, ऐसे से भगवान नापना हो, संयोग से बनना हो, पर्यायों से नहीं नापो, उत्पाद से नहीं नापो, विकारी विकारी पर्याय से बनना हो, इसका नाम है अधिकार। अब समय समय पढ़ने का अधिकारी हो जाओगे, आए सुना है क्या है? अभी आपको, अभी ध्यान से सुनना, आपको केवल ज्ञान के बल पर आत्मा महान दिखता ही आगम की महिमा है, आगम का बलन है। आप आगम के बल से कहते हो केवल ज्ञान को, जय हो जय हो जय हो, ये तो कुछ नहीं आता, कुछ नहीं, कुछ नहीं आता जी, जो आई नहीं आगम में से आई अध्यात्म, अध्यात्म बोलो जो निगोज में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजा। उस जिन्मात्र में क्या बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसे आनंद लेना सीखना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। आगे दृष्टांत, ये दृष्टांत उसी में दिया है, पंचाध्याय के प्रश्नोत्तर, पंचाध्याय के प्रश्नोत्तर है ना, पीछे पढ़े आप लोग, अपन 55 पेज का मटेरियल, 55 पेज का मटेरियल 5 पेज में पढ़ रहे हैं, ये तो मैं पहला पेज के 8 पेज हो गए, इसके 5 पेज है। तो देखिए, संपूर्ण जल थल नव मतलब पूरे इंडिया का नक्शा, परिवहन व्यवस्था का नक्शा, एक नक्शा बनाना पूरे भारत का, तो उसमें सब आ गया, हवाई अड्डे क्या कहते हैं, सड़क रेल ये सब आ गया। लेकिन उस नक्शे में कोई स्वामी कुछ नहीं आया, बैठकर आनंद आया। कालिदास से कालिदास पढ़ते जाते थे लेकिन पढ़ नहीं पाए, वो बिल्कुल डप्पू रहे। तो पढ़ने के एक बार अपने टीचर पढ़ा रहे थे भूगोल, नक्शा टाइम का, उन्होंने कहा बताओ गंगा से हालांकि दूरी कहाँ तक, वो तो नदियों की गंगा और यमुना की दूरी कितनी है? तो बच्चे बच्चे नहीं बता पाए, कोई नहीं बता पाए। कालिदास बोले हम बताए, बता बेटा कि वहाँ आए वहाँ एक गंगा नदी की लाइन जा रही थी और एक यमुना नदी और दो युग की उंगली नदी, बोले दो अंगुल। डॉक्टर साहब इसके लिए कहते भैया गंगा नदी इसमें समझाते हैं हम, लेकिन प्यार बुझाना हुए तब क्यों, प्यार बुझाना हुए तब यदि ऐसी कोई गंगा नदी में से पानी निकल आता तो कितना अच्छा होता, नल नहीं लगवाने पड़ते, कुएं नहीं खुदवाने पड़ते और चाय की नदियां सूख जाती, बस नक्शा लटका ले। मुझे कुछ कहना है, समझना है, आगम का चाय जितना पढ़ लेना, लेकिन आपको समय में सब नहीं होता, आनंद नहीं आता, आगम में से
नदी बहाना आनी चाहिए, प्यास तो अग्नि पानी में से आएगा बुझेगी, प्यास तो बोलो हसी पानी पीने से होगी। आगम भाई हाँ यार बोलते आगम मतलब दृष्टांत ये था हाँ मौसम भी तक क्यों सही बताना क्या किलो कैसी महंगा दे दी मैं 20 रुपये किलो महंगा 20 रुपये किलो लाया 90% तो घर में थी नहीं बैठे 90% तो घर में थे लेकिन फिर भी कहते मौसम भी खाई रस भी हो रहा। चलो आगे इसमें क्या कह रहा है, एक कोई परिवहन का नक्शा, एक कोई परिवहन का नक्शा अध्यात्म। तुम्हें यहां से जयपुर जा रहे गाइस क्या हो भाई बस अब बस का पता यार बस ना अपना प्रयोग साथ लिए बस में बैठ रहा मस्त हो जाता ऐसे अध्यात्म से अपना ही परिवहन का नक्शा निकाल के अपन बैठ गए क्यों तो बस में कैसे जाए सोती हुई यार करेक्ट नक्शा निकाल के करेक्ट गलत रूप में बैठ गए होते तो कुछ कहना है मुझे एक बार अध्यात्म सही लाइन पकड़ लेती इसके बाद कुछ नहीं करना मौत कैसे तो सोते सोते आए ना आराम क्यों क्या कह रहे अध्यात्म अच्छा बताओ अध्यात्म क्या करना रहता सोते सोते बोलो भाई सिद्ध करो अध्यात्म में क्या बताया गया है करने के लिए बोलो समय का समय क्या था मालूम कितना बढ़िया जवाब दिया बोलो गुजराती सुनोगे धबा योगे थाए छे मोक्ष मोक्ष का मोक्ष कब करोगे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी जल्दी बोल रहा हूँ पहले प्रश्न पूछूं आपको से सीधे पूछूं समय का समय लिए ज्यादा प्रसाद करना पड़ेगा कि मोक्ष जाने के लिए ज्यादा प्रसाद काम करना पड़ेगा मुनि बनने में कि समय का समय बोलो बोले सोचो बोलो अब देखो जिसकी आगे पर नजर होगी वो क्या करता है समय का समय यही चीज है घर में कर लो कपड़ा पहले पहले कर लो पत्नी बच्चा हो गया मोनी बनने का ये तो सब छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मोक्ष हमारे तो सर भी जीतने पड़ेगी पैसा ही जीतने पड़ेगी बहुत कठिन सुनो अध्यात्म क्या कहता है हवाई योग का है तीन विकार नवदत्त नवदत्त क्या कह रहे हैं हवाई योग के आए थे सम्यक दर्शन के लिए भी कुछ नहीं करना और मोह जाने के लिए भी कुछ नहीं करना ये तो कर पंडित जी तो अध्यात्म ही पढ़ावा पढ़ा जरूर पढ़ा आरंभ में से अध्यात्म निकालना सीखो सुन रहे भैया फाइनल वालों से ज्यादा अपेक्षा रहती पहली दूसरी साल वाले तो वैसे ये तो यहाँ की भूल पड़ा गया कि आरंभ और अध्यात्म है सूरज धीरज सूरज कोई बात नहीं तो एक काम करो सूर्य अगर पीछे बैठा करो धीरे जाके बैठा करो अपना सुन हैं आड़ी बैठा समझ ना नहीं समझ में आ रहा है देखो मैं जल्दी नहीं भागना मेरी जरूरत समझ में आना नहीं तो पूछ लो कुछ करना ही नहीं बस टाइम दे क्यों बच्चे को पालने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चे को बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ता है अब आगम स्टाइल ये है भाई साहब 20 साल का बड़ा करने के लिए खिलाना पड़ेगा खिलाना पड़ेगा कमाना पड़ेगा अलग करना पड़ेगा और देख रेख करनी पड़ेगी और बीमारी में बीमारी दूर करनी पड़ेगी कितना कठिन कितना कठिन बोलो इतना कठिन आगम स्टाइल है। अब मैं आपसे एक बात बोलू जिसके मम्मी पापा नहीं होते वो बड़ा नहीं होता बोलो नहीं होता बड़ा तो अपने आप ही होता है कि कुछ करने से होता है अब बड़ा करने के लिए बोलो सरल ही कठिन है बड़ा क्यों तुम्हें कौन ने बड़ा किया मम्मी ने कि पापा ने आज हम तुम्हें कौन ने बड़ा किया मम्मी ने पापा तो उन्होंने झूठ मत बोल अब भी हम अब जब मत कहेंगे मम्मी पापा ने बड़ा किया तो एक समस्या आ जाएगी कब करा रात को 8 घंटा सो जाते तो उस समय तुम छोटे रह जाओगे फिर क्यों और फिर बिजनेस में चले गए खाना में चले गए पत्नी काम करने चले गए तुमने बड़ा कब किया वहां और फिर कैसे बड़ा किया सीधी बताओ दोनों टांग खींची दोनों हाथ खींचे तो हाथ और पैर बड़े हो जाएंगे नाक खींची तो नाक बड़ी होगी और आम खींचेंगे तो आम बड़ी होगी तो बड़ा कठिन काम है अरे बड़े होने की विधि सहज है अब
अध्यात्म कर पाओगे? सदगुरु कहे सहजा बंदा, क्यों पैसे कमाने तुमने क्या किया भैया? अच्छी नहीं करा है ये अध्यात्म। अभी अपन आपके बल पे जब ना कर दे मेरा पुण्य का पता है, मैंने पुण्य बना था, मैंने ऑर्डर दिया, सामान लाए, वो करा बल। आप अपना अध्यात्म अंदर ना है समझ में आएगा नहीं? अध्यात्म का अंतर नहीं समझोगे तो फिर पंचाध्याय में नहीं समझ पाओगे। पंचाध्याय समझने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि भाव उसका आई तो एक परिवर्तन अच्छा उपयोगिता क्या है मोक्ष मार्ग में उपयोगी परंतु आवश्यक नहीं, परंतु अध्यात्म अत्यंत आवश्यक है। एक बार आगम का ज्ञान हो तो चलेगा, उल्टा नहीं समझना हमने। ऐसे में आगम का विरोधी नहीं, मैं तो पढ़ा रहा हूँ पंचाध्याय के लिए। यदि आगम पढ़ा रहा होता तो उस पर बोलता, तीन लोग के नक्शे पे बोलता तो उसकी जीत जाता। अभी तो मेरे दूरा राजा कौन है? हाँ पंचाध्याय अध्यात्म, अभी तो उसकी जीत जाएगी। जरा देखो अत्यंत आवश्यक श्री मोती मुझा को नमुका मंत्र भी नहीं याद रहता है। अंजन चोर को पूछो तुम सम्यक दृष्टि हो मोक्ष जा रहे हो मुनि बन गए, रुक जाओ पहले ये बताओ तीन लोग का नक्शा क्या है? तो अंजन चोर बता ढाई नहीं बता पा रहे, और भी बहुत पूछते पर नरक स्वर्ग का पढ़ रहे नहीं बता पा रहे, और योजन घना स्वर वो क्या क्या बता रहे क्या बता रहे? एक राज्य में एक राज्य का विस्तार नहीं बता पा रहे, लेकिन मोक्ष नहीं होगा। बोलू आपको अरे बोलू रसगुल्ले का टेस्ट है ना ये अध्यात्म, और रसगुल्ला बनाना उसकी लागत निकालना उसको दूध लाना लिखना कठिन काम है।
सम्मेलन हो रहा था उस समय, नरसिंह स्वामी ने बुलवाए थे, तो पूरे मुरार उस समय इकट्ठे थे, सारे देश के मुरार जी से इकट्ठे थे, वहां तो उन्होंने खबर पहुंचाई, कोई विशिष्ट किया कि दो विद्वान की प्रारंभ हुई और दो आए, और दो में से एक तो आई ही कब, मुझसे 24-25 सूत्र लिख पाया और लिख पाया, उनकी भी परीक्षा ली, कुछ कहना चाह रहे थे तुम लोगों से, सबसे कह रहा हूं आपको इतना पैसे होना चाहिए अपने लिखे हुए, वो जल्दी मत छपा, जल्दी मत सोचे मैं बहुत बड़ा लेखक हो गया, बहुत बड़ा कवि हो गया, बहुत जल्दी मत सोचो, पंडित साहब ने इतनी रचनाएं लिखी, जब 1-1.5 हजार रचना होगी ना, बंद बंद बंद, तब एक बार अभय कुमार जी पहुंचे कि साहब आपकी कोई रचना, तो बोले अब रखी तो मैंने कोई संपादन करे तो कोई बात, तब निकली हुई इतनी सारी कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, सुनना बेटी सब, मैं सबसे कह रहा हूँ ये सुनना,
प्रजाति का आधार ग्राम सिम्पसन है? नहीं, तो इसकी विशेषता होती है, इसकी विशेषता होती है, इसकी विशेषता है, लेकिन देखिए आप ख्याल की होती है कि नहीं, बोल सकते हैं ना, समय ज्यादा पढ़ने के बाद जैसे आत्म ख्याति ना हो और जगत ख्याति पड़ रहा है, क्या बोला, क्या बोला भैया, सुनाओ क्या बोला, जो आत्म ख्याति नहीं कर रहे की गाथा पढ़ कर जगत ख्याति पड़ना रहेंगे, मैंने प्रयास किया था कि सब कम रहेगा, कोई फायदा नहीं, मैंने कितना सुनाया मुझे ये देखिए सर, एक दिन मैं मिले राजकोट में, मैंने 10 लक्षण में गया तो 30-20 नंबर की कहा था, एक साल तक चले, मैंने बहुत अच्छे रख दिए, पर 30-20 कितने से क्या चीज है, खेचते रहे तो साल भर नहीं, इसमें तुमने अपनी ख्याति की पड़ गई और कोई नहीं, सिवाय की पीछे से क्या किया हो, सुनना है समय में सर कितना था है? कितना था ये चिन्ह मात्र वही बड़ा है, सुंदर सुपरिया इधर है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ भी हो जाए या कुछ नहीं हुआ, बच्चे इतने से पकड़े रखोगे बस, इतने में 30-20 हो गई, इतने में छट्टी हो गई, इतने में सारी हो गई, लेकिन नहीं वो करे क्या, मजा इधर नहीं आता ना, तो प्यार क्या बहुत करता है, सुन रहे थे ना, मैंने आत्मा का आनंद नहीं आता, प्यार क्या बहुत करता है, श्रीमती ने लिखा है, श्रीमती मन क्या लिखा है, सुनते से ही समझा और समा गया, क्या सुनते ही समझा और समा गया, पंडित साहब कहते कहने को भी नहीं होगा, कहने को भी नहीं होगा, समा ही क्या होगा, अब किसी को बेटे तुम्हें हम 1 करोड़ रुपए देंगे, पर इतना सुनते नहीं, कल पढ़ा ना अखबार, कल के अखबार है, कल के अखबार है पत्रिका में, राजस्थान पत्रिका वालों ने एक गरीब आदमी को खार भी दी, मकान भी दिया, तो वो भी बेचारे गरीब आदमी एक कमरा में रहते थे, ऊपर का कमरा उन्होंने किराए पे ले रखा था ताकि बच्चों को पढ़ाई का खर्चा निकले, कहते थे एक कमरा में रहते ऊपर किराए से दे रखा था, उन्होंने 2 चीजें से निकला है अखबार में से, प्रतिपाद्य बाह्य वस्तु व्यवस्था
मेरे में उत्पन्न भाव थोड़ा ऊपर कर दिया, नीचे भी है इसका। हाँ मेरे स्वर तत्व है, ठीक है, नीचे कर दीजिए, पढ़ा कहा हो गया रोजा वापस कर नीचे कर। बाहर बस व्यवस्था बतानी नंबर एक, यहाँ अंदर की व्यवस्था बताना है अभी चिन्मात्र वस्तु। और मेरे में उत्पन्न भाव, ध्यान से सुनो, मेरे में उत्पन्न भाव मेरे तत्व है। आगम क्या कह रहा है, अध्यात्म तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय का पहला सूत्र बोलो, वहां क्या लिख रहे हो, स्वयं तत्व का क्या लिख रहे हो, दूसरे अध्याय का पहले सूत्र में क्या लिख रहे हो उसको, वो तत्व वो मेरे भाव है, स्वयं तत्व है। लेकिन यह मना कर रही है मोक्ष मेरा तत्व नहीं है, नव तत्व मेरी नहीं है, मेरो है एक आत्मता में मत झुकी नो, बस एक बस एक बस खत्म, एक चीज मान थोड़ा और उठा दीजिए तो उधर पढ़ लेते। नंबर दो अंतरण वैभव उपाधियां यहां पर बताई जाएगी। नंबर तीन चिन्मात्र वस्तु का पर से कोई संबंध नहीं, संबंध अभूतार्थ है और उनकी अभूतार्थ अभूतार्थ नहीं, आश्रय लेने योग्य भाव मेरा स्वयं तत्व है, बस इतनी बताता हूं। इसका इसको और पढ़ते हैं, शैली का दस्तक कल पढ़ेगा, पुरानी अध्यात्म शैली और नई अध्यात्म शैली मतलब बच्चा अध्याय इतना दो आजीवन दस तक का होते कल करेंगे इसकी चर्चा। लेकिन ऊपर हो चिन्मात्र वस्तु का ध्यान से सुनना, स्वयं किसे कहते हैं कि सात तत्व स्वयं नहीं है, अध्यात्म में सात तत्व स्वयं नहीं है और आगम की शैली में सात तत्व स्वयं नहीं समझ आए, हम बोलो नहीं यार ये ना कोई बात नहीं, जिसका आश्रय करना है वो उसका नाम तत्व, अपन किसका तत्व आश्रय करना मोक्ष का तो हमारे तत्व नहीं है, ये अध्यात्म है बहुत सिंपल। मैं कहूंगा पंकज, पंकज कैसे चला हूं, पंकज कैसे चला हो बोल दो हैं, बटन बटन तो बहुत सारे, अब बोलो बटन तो बहुत सारे, अब बोलो कि नहीं एक ही बटन, एक बटन है एक बटन जिससे वो चलेगा। अब चलाने के लिए आगम से भी क्या कहेगी, उसमें रोटर होना चाहिए, मफला होना चाहिए, उसके आरपीएम, उसके जेब, उसके तीन पंखड़ी, और तब चल जाएगा। तो आगम इतना डिटेल में जाएगा, तो अध्यात्म क्या कहेगा सुना ऐसा चल वो ही बता ऐसी सुनो, सात तत्व भी अध्यात्म में आते हैं ना, लेकिन लेकिन वो हमारे स्वयं तत्व नहीं है, क्यों कब नहीं है, क्योंकि हमें उनका आश्रय करना नहीं। अंतिम दृष्टांत की बात पूरी करें, मेरी घड़ी का मुंह सुना लेकिन दिख रहा है, देखो बेटे मैं इसे चार्ट आपको निकलवा के दे सकता हूं लेकिन आप पढ़ेंगे, मैं जानता हूँ 5% समझ आया तो मैं मेरी तो तैयारी है, मेरी तो तैयारी है, इसलिए मैं सब बटवर बोल दिया। लेकिन अब आपको इसे पूछने की मेहनत करनी पड़ेगी, इसे पढ़ेंगे आप आधा एक घंटा एक दूसरे से डिस्कस कर तो आज ही पक्का हो जाएगा। और फिर समझ लो बेटे तुम्हारा सारी विद्वत्ता इसके बिना बेकार है, सारी विद्वत्ता इसके बिना बेकार है, यदि ये नहीं समझ आया तो कुछ मिला है। अभी मैं देख रहा हूँ चेहरा के 5% समझ आया, इसलिए पढ़ाई करना अच्छे से। स्वयं तत्व क्या है इसे दृष्टांत देना, स्वयं तत्व क्या है ध्यान रखना, कार्य क्या करना चाहिए होता है, जो कार्य करना है उसका स्वयं तत्व बोलते। आपके पास 10 करोड़ रुपया है दृष्टांत, लेकिन भूख लगते समय में स्वयं तत्व नहीं है, भूख लगते समय तो रोटी चाहिए, जिस समय भूख लग रही भूख के लिए 10 करोड़ क्या है एक की उपाधि, हम आपके सामने 10 करोड़ रख दें आपको भूख थोड़ी मिलेगी, आपको प्यास लग रही उस समय 1 लाख पानी स्वयं तत्व है, उसके आश्रय से प्यास बुझेगी, बाकी आपको हीरे सोना चांदी माणिक मोती से क्या लेना देना, बात समझ आ रही, वो
अपने आप में जिसका आग्रह किया जाता है वह स्वतत्पर है और आगमन सबको स्वतत्व कहते हैं। कैसे कहते हैं? पत्नी का सिर टूटता है तो तुम्हारा भी टूटता है, नहीं टूटता? सही सही बोल रहे। यदि पत्नी रात भर दुखी रहे, करवट बदलती रहे, नींद नहीं आए तो आपको बुरा नहीं लगता? नहीं होता है क्या? अपने बच्चे को बुखार चढ़ जाए तो अपने को बुखार नहीं चढ़ता? वो तो दुखी है, वो क्या करते हैं? अपना बच्चा है तो आप अपने क्या करते हैं? उन सब तत्वों को भी अपना कह देते हैं, सात तत्व को अपना कह देंगे, नौ पदार्थ को अपना कह देंगे, लेकिन आश्रय करने लायक उपाधि तो एक स्वयं तत्व जीव की है। क्या लिखा था वहां? चिन्मात्र। क्या लिखा था वहां? चिन्मात्र। चिन्मात्र का मतलब कौन बोलेगा बच्चों में? बता सुनाएंगे हमें बेटा बोलो सावर। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। जो उत्तर कौन बोल के दिमाग में आया था? ईमानदारी से हाथ खड़ा था। ये उत्तर जिन्होंने बताया किस किसके दिमाग में आया था? कोई बात नहीं, अब तो आगे सबको उत्पाद व्यय रही ध्रुव का नाम है अध्यात्म का विषय स्वयं तत्व जिसका आश्रय लेना है। बराबर बराबर से मेरे को स्वयं तत्व और पर तत्व जीव अजीव असर बंध संबंध विराम मोक्ष इस सात तत्व आग में अपने ही है, लेकिन अध्यात्म के अंदर चिन्मा तो कोई नहीं रहा है। बस एक पंचाचार से यहां से आएगा, बोलो भाई पढ़ाऊ की नहीं पढ़ाऊ, छोड़ दू इसे, पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि इसके बिना विद्वान बने नहीं सकते, और कम से मोक्ष हो गए तो बिल्कुल नहीं बन पा। मोक्ष ये चाहता है कि आप कैसा निकाल के बताओ, गन्ना खाया है? गन्ना खाया है? तो खराब भूख
रोटी खाओ, कमाना इतना जरूरी नहीं है। इसका मतलब यही बिना कमाई रोटी आ जाएगी, कमाना भी तो हो लेकिन रोटी खाओ, ऐसे प्राथमिकता का अंतर है, विरोध नहीं है। वस्तु व्यवस्था की सिद्धि में आहा, जब वस्तु व्यवस्था की सिद्धि करना हो तो आरंभ प्राथमिकता दी जाती है और जब अनुभव करना होता है तो दृष्टान्त बहुत दे दिए। मैं तो चाहूंगा दस कम बना रहा हूं, दस दृष्टान्त बना। कार चलाना सीखना तो आग भी होना पड़ेगा, डिटेल आनी चाहिए सब, क्या चलाओ सब सब आना चाहिए, पता होना चाहिए कच्ची रोड पे कैसे चलाए, बस में पानी में कैसे चल रही, स्लिप में उड़ जाएगी गाड़ी, धन धना की चली आ रही बरसात में होते धना धन आदमी होना पड़ेगा आपका। जब कार स्वयं चलेगी तो आपको सुरक्षा का आनंद आ रहा है। पढ़ो समुद्र पढ़ो, आरंभ भी पढ़ो, इस तरह से चला भी आनंद आ रहा है। आई बात समझ आ रही है, अभी बहुत मजा आ रहा है, अभी शुरू है, शुरू हुआ है, कल पढ़ेंगे थोड़ा ऊपर तक। शैली का तंत्र है, पुरानी अध्यात्म शैली और पंचाध्याय की शैली में बेटे, ये बात तो पक्की है कि ये मास्टर स्ट्रॉक है, एमए लेने की पढ़ाई है, ये बात पक्की है। मैंने आप जितना अलर्ट रहोगे तो मजा आएगा, कितना सही में आप पढ़ा नहीं पाएंगे, नहीं तो मुझे इस मार्ग में पढ़ाना पड़ेगा। इस मार्ग में ऐसे बच्चे मिलते हैं अच्छे, बिल्कुल अलर्ट आड़ के देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, जरा बोलो भाई मैं पढ़ाऊँ कि नहीं पढ़ाऊँ, आप भी सोच बता देना मैं पढ़ाऊँ कि नहीं पढ़ाऊँ। मैंने इस समय बिल्कुल दिमाग आपका विषय में डूबेगा, जैसे रसगुल्ला निकाले और डुबाए चार दिन, यहाँ से उठने के बाद तुम्हें क्या कर रहे हो, ऐसे आ गई